हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वंडरवॉल कांस्टेंट्स। ओके, क्रिटिकल कांस्टेंट्स और वंडरवॉल कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं हमने क्लास में पढ़ा है, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। ये सारे क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स है। इसके अलावा जो वंडरवॉल कांस्टेंट्स है वो है ए और बी, यहाँ पे वंडरवॉल कांस्टेंट्स है। ओके, तो इनके बीच में रिलेशन देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे वंडरवॉल इक्वेशन फॉर वन मोल गैस। ओके, तो यहाँ पे वन मोल गैस के लिए मैंने वंडरवॉल इक्वेशन लिखी है, हमने डिराइव करी थी क्लास में। ओके, तो ये है P प्लस ए बाई बी स्क्वायर वी माइनस पी इज इक्वल टू आर टी, फर्स्ट इक्वेशन वंडरवॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये हम क्या करेंगे, वी जो है, वॉल्यूम जो है, इसको इस पूरे इक्वेशन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, देखो, पी वी प्लस ए वी बाय वी स्क्वायर। ठीक है, वी से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये है। अब क्या करना है, माइनस बी से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से करेंगे, माइनस बी से, तो ये आएगा माइनस पी वी। अगेन माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन हो गई है, आर टी को ले आएंगे इधर, तो ये जो प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा पी वी प्लस, यहाँ पे जो ये वी है, एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बाय वी माइनस पी बी माइनस ए बी बाय वी स्क्वायर, और ये इधर आ गया, तो ये आ गया आर टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब हमें इक्वेशन नंबर टू को मल्टीप्लाई करना है वी स्क्वायर से और डिवाइड करना है प्रेशर से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू by v square and divide by p किया। अब इक्वेशन टू को यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखो क्या होगा, v square से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना प्रेशर से, अगेन ये ठीक है। अब देखो क्या है, एक वी से एक वी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा था वो हमने लिख दिया। पीछे जो इक्वेशन बची है वो बची है वी क्यूब प्लस ए वी बाय पी माइनस b b स्क्वायर माइनस ए बी बाय पी माइनस आर टी बी स्क्वायर बाय पी। ओके, इज इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्यों करना है, ये देखो, ये हमारी एक तरह की क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। v थ्री है, v स्क्वायर है, v है, और ये पूरी तरह से कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस v को इस साइड ले आना है, हमें रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग इक्वेशन थ्री। क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पे सबसे पहले v थ्री लिखा जाएगा, उसके बाद जो है वी स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी जाएगी। तो वी स्क्वायर कहाँ है, एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और दोनों पे क्या है, माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। इसके बाद दोनों के पास क्या है, वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। बचा क्या पीछे, पीछे बचा है बी प्लस आर टी बाय पी। ओके, ये हो गई वी स्क्वायर वाली टर्म। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद आएगा वी वाली टर्म, तो वी वाली क्या है, ए वी बाय पी, और लास्ट में क्या है, माइनस ए बी बाय पी।
इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फोर। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फोर हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, और एक सर्टेन टेम्परेचर पर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम है यहाँ पे वी क्यूब वी स्क्वायर वी, इनकी जो है वो मैग्नीट्यूड, तीन तरह की वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो अगेन मैं वापस से बताती हूँ क्या है इक्वेशन फोर। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम की तीन वैल्यू पॉसिबल है, तीन वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। और ये तीनों वैल्यू जो है रियल हो सकती है, या फिर इनमें से कोई एक वैल्यू रियल हो सकती है और दो वैल्यू जो है इमेजिनरी हो सकती है। और ऐड करूं तो यह कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम की वैल्यू होगी तीनों, वो तीनों की तीनों रियल या इमेजिनरी हो सकती है, या फिर कोई एक रियल और बाकी दो जो है इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक इक्वेशन नंबर फोर तक। अब हमें देखना है कि रिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडरवॉल कांस्टेंट के बीच में, क्योंकि अभी तक हमने कोई क्रिटिकल टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करी है, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था CO2 वाला, CO2 गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो हमने पढ़ा था क्रिटिकल फिनोमिना, ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये ग्राफ हमने देखा था वहां पे। ओके, और हमने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, उस पॉइंट पर हमें मिलता है क्रिटिकल वॉल्यूम, और उसी पॉइंट पर मिलता है हमें एक क्रिटिकल प्रेशर किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो CO2 के लिए जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिलती है, सारे के सारे वैल्यूज मिलती है। ये जो होगा यहाँ पे इस पॉइंट पर जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, PC, इस पॉइंट पर जो हमें मिलेगा VC, और ये सब जिस टेम्परेचर पर हो रहा है वो होगा हमारा TC, ठीक है। तो ये जहाँ पे सारे के सारे जो है वैल्यूज आके एक पॉइंट पर कोलैप्स हो जाते हैं, उस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा, और जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले उठाते हैं हम क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैं कहूंगी एट क्रिटिकल वॉल्यूम, एट क्रिटिकल वॉल्यूम, तो जो मेन वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है, कौन सी वाली फर्स्ट टर्म है, VC, ये बराबर किधर आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ये हो गई क्या, वॉल्यूम की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई है, ये वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू हो गई है, मतलब कि आप अगर फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखना चाहे, ये वी क्यूब है, अगर आप इसके लिए वैल्यू लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं कि वी माइनस वी सी का क्यूब इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो हम कहेंगे, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को आपको यहाँ पे यूज करना है, इसका यूज है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करते हुए, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वी क्यूब माइनस बी सी क्यूब माइनस 3vc और वी माइनस VC, यही आएगा। इसको जब हम पूरी तरह से कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस, अब इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, और फिर इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3v² vc, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 3v vc स्क्वायर,
ठीक है, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। ओके, ये हमारी है इक्वेशन नंबर फिफ्थ और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स। ओके, अब क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फोर है, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फोर है, इसमें सारी वैल्यूज को जो है सारी वैल्यूज को नहीं, इसमें जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उनको हमें क्रिटिकल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर, ये जो है हमारी, इसको टेम्परेचर और प्रेशर को हमें क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की फॉर्म में लिखना है। तो लिखें यहाँ पे, ये आएगा बी क्यूब माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे पहले वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओके, बी स्क्वेयर बी माइनस बी प्लस आर टी पी, बी प्लस आर टी पी, आर टी पी, और किसकी फॉर्म में लिखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर की फॉर्म में लिखना है। ओके, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ए बी बाय पी माइनस ए बी बाय पी। ठीक है, ए B by PC minus AB by PC is equal to zero, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर फोर को इस तरह से लिख लिया उनकी क्रिटिकल वैल्यूज में। फाइन, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेवन। ओके, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेवन और इक्वेशन नंबर सिक्स जो है इसको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सिक्स एंड सेवन, तो जब इक्वेशन सिक्स और सेवन को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, v क्यूब से v क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, ये v क्यूब इक्वेशन नंबर सिक्स का, ये v क्यूब इक्वेशन नंबर सेवन का, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इसको तो करने से मतलब नहीं है। इसके बाद क्या आता है, v स्क्वायर वाली टर्म कहाँ है, v स्क्वायर वाली टर्म ये रही, और यहाँ पे v स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, v स्क्वायर वाली टर्म ये रही, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 3 v स्क्वायर bc इज इक्वल टू b प्लस rtc बाय pc। ओके, ये हो गया हमारा v स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये माइनस था इधर भी, ये माइनस, ठीक है, तो माइनस से माइनस एक तो कैंसिल हो गया, इसके अलावा वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी ये हमारे पास आ गया थ्री वी सी इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी बाय पी सी। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी हमें अब इसको आगे और सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो पहले सॉल्व नहीं करते, पहले सबको कंपेयर कर लेते हैं। तो एक या ये हो गया, v स्क्वायर वाली टर्म कंपेयर होगी, v क्यूब वाली टर्म कंपेयर होगी, उससे कुछ आएगा नहीं, ये जीरो वैल्यू आएगी, v स्क्वायर वाली टर्म कंपेयर होगी। अब क्या करना है हमें, v वाली टर्म को कंपेयर करना है, यहाँ पे ये जो v वाली टर्म है, ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना है, ये वाली। तो v कहाँ है इस इक्वेशन में, v है ये, और इधर इस इक्वेशन में v कहाँ है, v है ये। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, देखो ये लिख लो इक्वेशन नंबर एट, ये आएगा 3vc स्क्वायर v इज इक्वल टू ए वी बाय पी सी। ओके, तो v से v क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास, 3vc square is equal to a by pc। ठीक है, ये आ गया, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 9। ओके, लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में देखो क्या बचा है, इक्वेशन लास्ट टर्म है हमारी यहाँ पे माइनस ab by pc, और इधर क्या है, इधर है
माइनस बी सी क्यूब, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस बी सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए बी बाय पी सी, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा बी सी क्यूब इज इक्वल टू ए बी बाय पी सी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 10 ओके। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 से डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 10 बाय इक्वेशन 9, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 से डिवाइड करना है। तो पहले तो लिखेंगे इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 है हमारी ये ए बी बाय पी सी, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 9 से, तो ये है 3 बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पीछे क्या बचा बी सी, यहाँ ए बाय पी सी से ए बाय पी सी कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचा बी, तो ये इक्वेशन क्या हुई, यहाँ पे बी सी बाय 3 इज इक्वल टू बी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, ये 3 इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये आ गया 3B, तो यहाँ पे हमें बी सी जो क्रिटिकल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू मिल गई किसके साथ, ये है हमारा क्या वंडरवॉल कांस्टेंट, ये है हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि बी सी बराबर होता है 3B के, तो इस तरह से यहाँ वंडरवॉल इक्वेशन के बीच में यहाँ रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम एक एक सबका वैल्यू निकालेंगे, बी सी का निकल गया, अब हम निकालेंगे पी सी का, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 9 ये रही हमारी, इसमें बी सी की वैल्यू रखेंगे, बी सी की वैल्यू आई क्या है 3B, ओके। तो यहाँ पे रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 9 में ये 3B का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पी सी, तो जैसे ही ये आएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 9B स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 9, इसका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पी सी, मल्टीप्लाई करूंगी आएगा 27B स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय पी सी, ओके। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी सी की चाहिए, तो पी सी को इधर ले जाओ पी सी, और ये आ जाएगा ए बाय 27B स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख लू, ये आएगा वैल्यू हमारा पी सी इज इक्वल टू ए बाय 27B स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू। इसके बाद लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, एक नेक्स्ट क्रिटिकल कांस्टेंट है टेम्परेचर का, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए वैल्यू जब निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास अभी वैल्यू किस किस की है, एक तो क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू है, अभी हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की भी वैल्यू है, तो इस क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, तो उससे हमें यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ PC and VC in equation number 8, ठीक है। तो 8 इक्वेशन कौन सी है, 8 इक्वेशन है हमारी ये वाली, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे VC की वैल्यू रख दूंगे, यहाँ पे PC की वैल्यू रख दूंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, तो VC की वैल्यू क्या है, VC की वैल्यू है 3B, तो 3 into 3B रख दिया। इसके बाद B plus R PC as it is आएगा, और PC की वैल्यू क्या है, PC की वैल्यू है A by 27B square, और ये अपॉन में आएगा तो 27 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इस तरह से ये आएगा हमारे पास 9B is equal to B plus RTC by A
27b2। ओके, आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 9b माइनस बी। कहाँ से आया ये माइनस बी, ये बी इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इधर शिफ्ट होके ये आया माइनस बी इज इक्वल टू, ये रहेगा आर टी सी बाय ए 27b2। ओके, अब हमें क्या करना है, ये इसको सॉल्व करूंगी, ये आएगा 8b आर टी सी बाय ए 27b2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है, तो जो भी है यहाँ से ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये आर 27b2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टी सी इज इक्वल टू 8ab बाय 27rb2। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया, बी स्क्वायर से एक बी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 8a 27rb। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 13, ठीक है, इक्वेशन नंबर 13, यहाँ पे जितने भी इक्वेशन है, ओके, या फिर इक्वेशन नंबर ना भी लगाओ तो ये है आपकी वैल्यू टी सी की, फाइन, ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखे हम, ये है बी सी इज इक्वल टू 3b और टी सी इज इक्वल टू ए बाय 27b2। तो जितने भी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, टी सी बी सी पी सी, उन सब में आप देखोगे कि उनकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है किस पे, वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट पे, यहाँ पे भी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है ए बी, यहाँ पे भी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है बी, यहाँ पे भी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट यूज है बी, तो इनके बीच में क्रिटिकल कांस्टेंट्स और वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है जो हमने अभी डेरिवेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो ये सारे जो है टी सी पी सी वी सी हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट है, जो ए बी और जो नेक्स्ट कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, उनके यूज के द्वारा हम निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज आराम से, ठीक है। अब अगर हमें वैन डेर वाल्स इक्वेशन पता हो तो हम कैसे भी करके जो है टी सी की पी सी की और वी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।